गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि मैंने ना एक क्वेश्चन करवाना है आपको, जिससे ना आपका थोड़ा सा मतलब रीडेबिलिटी बढ़ेगी, अच्छे से आपको समझ में आना शुरू होगा धीरे धीरे करके। तो ये क्वेश्चन रहेगा यार ये वाला, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि एक कोर्स टेबल बना देना। मैंने ना यार उसके संग में एक नया स्टूडेंट टेबल भी बनाया है, जिसमें थोड़ा सा डिटेल में और चीज़ें डाली हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स कर रखा है एंड स्टूडेंट के नेम से मैंने टेबल बनाया है, जिसके अंदर एनरोलमेंट नंबर है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम है एंड मोबाइल नंबर है, एनरोलमेंट डेट है और CID है। अब CID मैंने अभी के लिए नल रख रखा है। इन फ्यूचर वी विल चेंज इट टू यूनिक की और समथिंग, जिससे हम लोग यूनिक की नहीं, वी विल चेंज इट टू नॉट नल। ओके, तो जिससे हम लोग हर एक उसमें इंसर्ट करेंगे बाद में, उसके बाद। नाउ अभी मैंने एक और टेबल भी बना रखा था, जिसमें सिलेक्ट करके मैं अभी दिखाती हूँ आपको, विच इज कोर्स, ठीक है। कोर्स के लिए मैंने आपको भी बोला था कि आप भी करके आना, ठीक है। होप आप लोग करके आए हो अभी तक, कोर्स नेम का एक टेबल बना के आए हो। अगर नहीं भी बनाया तो अभी बना लेना यार, क्या दिक्कत है। CID लिखना है, नेम लिखना है और फीस लिखनी है और डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन चाहे लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तीनों तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ये तीनों लिख लेना। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ना इसके अंदर से इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इस उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि डेट में कभी भी आप जब डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो आपको कैसे करना है। डेट में इंसर्ट करते टाइम भी आपको ना इन्वर्टेड कोमा में रखना ज़रूरी है। तो ये चीज़ अगर आपने नहीं किया होगा तो हो सकता है आपका भी एरर आया हो। इन फ्यूचर अगर आप करोगे कभी भी तो आपको डेट में एरर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा में डेट लिखनी है और ना हमेशा ऐसे कुछ डेट रहेगी हमारी, YYY, ठीक है, MM एंड DD, मतलब ईयर मंथ उसके बाद फिर डेट, ठीक है। और ये जब डेटा स्टोर कर रहे हो तो कोमा वोमा लगा के आराम से अपने आप करना, ठीक है। वो चीज़ आपको आनी चाहिए, इंसर्ट का जो इंसर्ट इनटू जो हमारी कमांड है वो यूज होगी उसके लिए। ओके गाइस, नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ना ये वाला जो टेबल है ना स्टूडेंट वाला, उसमें जो ये वाली की है, ये वाली जो एट्रीब्यूट है, उसे हम लोग फॉरेन की बनाना चाहते हैं, ठीक है। और फॉरेन की का रेफरेंस कहाँ से लेंगे हम लोग, स्टूडेंट कोर्स के CID से। नाउ ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर लेंगे यार, ऑब्वियसली फॉरेन की हम लोगों को सीखनी है, लेकिन अभी तक हमने सिंटेक्स जो है वो सही से सीखा नहीं है, राइट। आई वुड सजेस्ट यू कि यार जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप भी करते रहो और लिख लो, नहीं तो कॉपी पे अगर नहीं है अभी लैपटॉप में ही देख रहे हो वीडियो तो चलो करते हैं, है ना। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ना लिखेंगे ऑल्टर टेबल। नाउ हम लोग लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे एड कंस्टेंट एंड उसके बाद लिखूंगी कंस्टेंट के लिए एक नेम। अभी यार ऐसे आप खुद भी कर सकते हो कि अपना ना कस्टम कंस्टेंट का नाम बना सकते हो, ठीक है। ये मैं इसीलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन फ्यूचर अगर ड्रॉप करना होगा ये कंस्टेंट तो उसमें मुझे आसानी होगी। तो मैं आपको पहले एक करके सिखाती हूँ कि कैसे हम लोग कंस्टेंट जो है वो बना सकते हैं। नाउ इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं ना अपना कुछ भी कस्टम नेम देती हूँ। मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं ये रखती हूँ कि जिन भी टेबल के बीच में रिलेशन हो रहा हो ना, तो एक चीज़ मैंने गलती कर दी यहाँ पे, अल्टर टेबल के आगे मैंने यही नहीं लिखा कि किस टेबल को मुझे अल्टर करना है, तो स्टूडेंट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी मैं भूल गई थी ये चीज़। नाउ अभी मैं कहाँ थी, मैं जिस भी टेबल के बीच में रिलेशन बना रही होती हूँ ना, ज़्यादातर फॉरेन की जब भी मैं कर रही होती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं पहले तो मैं टेबल का नाम लिखती हूँ, ठीक है, या तो अगर बड़ा नाम है तो उसका फर्स्ट डिजिट लिख देती हूँ S एंड या फिर S_C, ठीक है, ऐसे लिख दूंगी मैं। तो मैं ऐसे लिखती हूँ जनरली, तो आप भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप अपना कस्टम नेम एक सोच करके रखना कि हाँ ऐसे ऐसे ही करोगे आप हमेशा, और ट्राई करना कि बड़ा नाम रखो जिससे student_course पूरा नाम लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब हमारा जो डेटा है बहुत सारा, मतलब अलग अलग तरीके के टेबल होंगे तो उस टाइम पे हम लोग कन्फ्यूज ना हो जिससे, ठीक है। नाउ एड कंस्टेंट करोगे, ये लिखोगे एंड उसके बाद फिर फॉरेन की का सिंटेक्स लिखोगे। अब फॉरेन की का सिंटेक्स क्या है हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो हम लोग ना लिखेंगे सिंपली FOREIGN, ठीक है, फॉरेन की। नाउ फॉरेन की हम लोग सिंपली लिख रहे हैं यहाँ पे एंड उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जिस भी टेबल को मैं फॉरेन की बनाना चाहती हूँ। मैं स्टूडेंट के
सीआईडी को फॉरेन की बनाना चाहती हो, तो मैं लिखूंगी सी अंडरस्कोर आई डी, सी अंडरस्कोर आई डी है ना, मैं पहले चेक करूँ, नहीं सी आई डी है डायरेक्टली, ओके सी आई डी लिखूंगी, ब्रैकेट बंद करूंगी एंड उसके बाद लिखूंगी रेफरेंसेस, ये ना कीवर्ड है रेफरेंसेस की, ना ये जो सी आई डी है वो कहाँ से रेफरेंस ले रही है, तो हम लोग लिखेंगे पहले रेफरेंसेस एंड उसके बाद लिखेंगे जिस भी जगह से मैं रेफरेंस लेना चाहती हूँ उस वाले टेबल का नाम। यहाँ पे मुझे लेना है कोर्स से रेफरेंस, अब इसके बाद मैं लिखूंगी जिस भी कोर्स से मैं एक्चुअल में जो जिस भी इस कोर्स के जिस भी कॉलम से मैं एक्चुअल में रेफरेंस लेना चाहती हूँ, तो मैं सीआईडी से रेफरेंस लेना चाहती हूँ कोर्स के एंड उसके बाद फिर लिखूंगी सेमी कॉलन, जैसे एंटर करूंगी वैसे ही हमारा नया कंस्टेंट बन जाएगा। सो अभी जैसे मैंने एंटर किया वैसे ही हमारा क्या हुआ कि ये जो फॉरेन की है वो बन चुकी है हमारी। अच्छा चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं डी ई एस सी करूँगी और स्टूडेंट टेबल को डालूंगी एस टी यू डी ई एन टी, ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूँगी वैसे मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कि हाँ एक की नई बनी है, इसका मतलब ये बन चुकी है। अच्छा अब इंसर्शन का टाइम आ गया, ठीक है, अभी हम लोग जब अपडेट करेंगे, अरे यार अपडेट करेंगे स्टूडेंट टेबल को, सेट उसके बाद फिर लिखेंगे सी आई डी इक्वल टू, अब इसके अंदर ना सिर्फ हम लोग कहाँ है हमारा वो वाला टेबल किरा, इसके अंदर ना हम लोग सिर्फ या तो बीए भर सकता है या बीबीए भर सकता है या बीसीए भर सकता है या एमए भर सकता है या बी ये सब भर सकता है, मतलब समझ जाओ ठीक है, यही वाली सीआईडी भर सकता है, अगर इसके अलावा कुछ और भरने की कोशिश करेंगे तो हमारा आएगा एरर। चलो एक में ना हम लोग भरते हैं बीए, ठीक है, अच्छा बीए ऐसे रहे या ऐसे रहे डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्रेफर करना कि ऐसे लिखो क्योंकि ये अच्छा लगता है बीए लिखा हुआ इस तरह का। नाउ वेयर, अब वेयर लिखना जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे को ही तो बीए में पढ़वाऊंगी, जाके सबको थोड़ी बीए में पढ़वा दूंगी। वेयर 11, लेट्स से कि 11 को चेंज करना है मुझे, सीआईडी सीआईडी नहीं एनरोल, सॉरी एनरोल, एनरोल में डबल एल है, एल है, डबल एल है, इज इक्वल्स टू 11, ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगी वैसे ही अपडेट हो जाना चाहिए, अपडेट हो चुका है, हुआ या नहीं हुआ लेट्स सी देखते हैं। हाँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वो किया था मैंने, एक्चुअली फॉर्म लिख दिया था गलती से फ्रॉम की जगह। अच्छा अब यहाँ पे बीए जो है वो हो चुका है, अभी हम लोग क्या करके देखेंगे, अभी हम लोग ना एंटर तो करेंगे अपडेट ही करेंगे लेकिन इसकी जगह ना बीए की जगह अब हम लोग ऐसी चीज लिखना चाहते हैं जो ना इस कोर्स के अंदर है ही नहीं, तो हम लोग वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये बताते हैं। चलो पहले तो देखते हैं कि कोर्स के अंदर अगर ये डेटा जो है वो है नहीं, वो हम लोग इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या एरर आएगा, ठीक है, वेयर लिखती हूँ मैं अब, ठीक है, वेयर सी आई डी इज 11 की जगह हम लोग लिखते हैं 12, ठीक है, लेट्स से कि 12 को चेंज करना चाहती हूँ मैं अब, 12 के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारा, ये वाला जो पर्टिकुलर कॉलम है इसके अंदर मैं डालना चाहती हूँ सी ए, ठीक है, अब सी ए करना चाहता है ये बंदा, तो मैं जैसे ही एंटर करूंगी तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अच्छा मुझे सी ए अगर इंसर्ट करना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ना इंसर्ट करना पड़ेगा डेटा इनसाइड दिस, क्या कहते हैं कोर्स, कोर्स के अंदर डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू कोर्स लिखूंगी उसके बाद फिर वैल्यूज लिखूंगी, अब वैल्यूज में मेरा सीआईडी है तो सीआईडी में मैं पहले लिखूंगी ब्रैकेट ऑन करके सीआईडी में मैं लिखूंगी सीए एंड उसके बाद फिर लिखूंगी उसका नाम उसके बाद फिर मैं लिखूंगी वो कितने क्या डिस्क्रिप्शन था नहीं फीस कितनी रहेगी उसकी, ठीक है, फीस मैं लेट्स से कि मैं लिख देती हूँ कुछ भी, ठीक है, रैंडमली लिख दिया है मैंने अभी, हाँ ये रैंडमली लिख दिया मैंने अभी, इसके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन लिखना था, डिस्क्रिप्शन में मैं लेट्स से लिख देती हूँ टू ईयर्स, ठीक है, ओनली टू ईयर्स। नाउ मैं सेमी कॉलन लगा के जैसे ही एंटर करूँगी वहाँ पे
इंसर्ट हो जाएगा। अभी अगर मैं सेम ये वाला जो पहले मैंने ये वाला जो कमांड लिखी थी वो अगर मैं फिर से ट्राई करती हूँ तो अब भाई चल जानी चाहिए। चलो देखते हैं, मैं ना जानबूझ के खुद से नहीं लिख रही हूँ कि मैंने जो डेटा है वो चेंज नहीं किया, वो दिखाने के लिए। तो मैं ऊपर वाला जो बटन है वो दबा के ऊपर की तरफ पहुंच रही हूँ, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो जी, होप आपको सेम सेम दिख रहा हो, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, मैंने ऊपर से कॉपी किया है कहीं ना कहीं। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगी अब हो जाना चाहिए, चीज हो गया। देखो अभी चलो डिस्क्राइब करके भी देखते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे सी ए जो है वो इंसर्ट हो गया है। तो यही था हमारा फॉरेन की का कंसेप्ट। अच्छा गाइस, सिर्फ